हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बुक मास्टरी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁶ कूलम। इट मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकंड। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इज स्विच्ड ऑन। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। ओके, चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक पेंडुलम के मोशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको आपने ऑसिलेशन पढ़ा होगा। ओके, तो ये पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है, तो मतलब ये जो एंगल थीटा डिस्प्लेसमेंट है रिलेटिवली बहुत स्मॉल है। ओके, तो इस पे ये जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज एम जी। ओके, और इस फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा ये, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एल एंगल थीटा, so this angle is going to be theta। ये जो length होगा ये होगा आपका L sin theta। okay, so what is the torque? Torque is basically m g l sin a theta, both small, this that will be the theta। okay, of this is equal to the angular acceleration में निकालूँ, so m g l theta is equal to m l square alpha। ओके, सो व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज इक्वल टू जी बाय एल थीटा। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करोगे, सो व्हाट इज द ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज रूट जी बाय एल। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इट मेक्स 20 ऑसिलेशन 45 सेकंड, मतलब आपका 20 ऑसिलेशन मतलब 45 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है आपका हो रहा है 20 × 2π। तो व्हाट इज द ओमेगा? दिस मींस ओमेगा इनटू 45 इज इक्वल टू 40π। सो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज बेसिकली 40π/45। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या लिख सकते हो कि दिस विल बी 8π/9 व्हिच इज द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, नाउ क्वेश्चन में फर्दर क्या हो रहा है, तो देखो ओमेगा मतलब जो हमें रूट जी बाई एल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बेसिकली 8π/9 आएगी। ओके, अब क्या बोल रहा है कि अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड एंड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज स्विच्ड ऑन। हाउ मच टाइम विल इट टेक how much time will it now take to complete 20 oscillation। okay, 20 oscillation of electric field is, if we switch on the electric field of this much intensity, then how much time will it take now, okay, to complete 20 oscillation, हमें ये बताना है। तो देखो, अब एक बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करेंगे देन व्हाट गोइंग टू हैपन, नीचे क्या लगेगा? mg। ओके, वर्टिकल में क्या लगेगा आपका? eq, और e की वैल्यू हमें पता है, चार्ज की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो 2.5 × 10⁴। ओके, ध्यान से देखोगे ये कितना है, 10⁴, और चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁶। ओके,
आप देखोगे ये कितना है, 4 × 10⁻⁶ × 2.5 × 10⁴। सो गाइस अब ध्यान से देखो, व्हाट यू गेट, 2.5 × 4 × 10⁻²। तो ये क्या होगा बेसिकली, दिस इज गोइंग टू बी 10, मतलब 0.1 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा नेट, वो अपवर्ड में किधर होगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज 0.1 न्यूटन। ओके, और आपका ये जो आएगा एमजी, एमजी कितना होगा, एमजी इज इक्वल टू बेसिकली 40 ग्राम, मतलब 0.04। सो व्हाट कैन आई राइट, एमजी इज इक्वल टू 14 × 10⁻³ इनटू जी। तो लेट अस जी के वैल्यू हम 10 लेते हैं। व्हाट व्हाट वी गेट हियर, 14 × 10⁻²। दिस मींस 4 इंटू 10 टू, ये क्या जाएगा, 0.4 न्यूटन। सो गाइस जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो क्या होगा आपका 0.3। क्या होगा ये 0.3 नेट फोर्स। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, अब मैं अगर निकालूं यहां से, तो जो टॉर्क होगा बेसिकली आप देखोगे, तो ये क्या होगा आपका 0.3 × L θ। ओके, आई होप इससे एग्री करोगे। दिस इज इक्वल टू 0.04 × L² × α। तो व्हाट इज द अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा बेसिकली क्या होगा आपका 0.3 / 0.04। ओके, बाई एल × θ। ओके, अल्फा ये होगा बेसिकली। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, व्हाट कैन आई राइट, अल्फा इज बेसिकली 30/4 L। ओके, तो व्हाट विल द ओमेगा, ओमेगा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और एंगुलर वेलोसिटी होगा, वो क्या होगा आपका 30/4 L। ओके, 30/4 L। और क्या है हमारे पास, जो g/L है, रूट g/L है, वो बेसिकली क्या है, ये है आपका, एक मिनट, क्या था ये, 8/9, 8π/9 ना, 8π/9। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। सी 20 ऑसिलेशन, तो जब यहां पर इसको मैं लिख देता हूं ओमेगा डैश। ओके, सो ओमेगा डैश इनटू 45 इज इक्वल टू क्या था, 20, एक मिनट, नहीं, ओमेगा डैश इनटू, हाँ 45 इज इक्वल टू क्या था, 20। नाउ ओमेगा इनटू टी इक्वल टू क्या ना चाहिए, 30। तो एक काम करो, व्हाट कैन आई राइट, आप ध्यान से रखोगे, ओमेगा डैश इनटू 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इनटू टी। ओके, सो एंड व्हाट इज द ओमेगा डैश, ओमेगा डैश इज बेसिकली g/L। ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या है, g/L। तो व्हाट कैन आई राइट, √g/L इनटू 45 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, √30
by 4L is into T. Okay, so what will be the T? T, आप ध्यान से देखोगे, अगर इसको आप ध्यान से देखो, what will you get? Root G, okay, into 4, divided by 30. इक्वल टू क्या इनटू 45 इक्वल टू 10 ठीक है. पर आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू गेट. इसको मैं सॉल्व करता हूं. सी इसको सॉल्व करते हैं ठीक ना. रूट 36 डिवाइड बाय 30 तो आपको कितना आएगा 1.09 इनटू 45 ओके. तो 45 से मल्टीप्लाई. सो व्हाट इज द टी? टी इज बेसिकली 49 इनटू 0.29 सेकंड. ओके तो हमारा कितना आ रहा है 49.2. सो और वर्मा जी में क्या दिया है 52 सेकंड. भाई जो वर्मा जी में आंसर दिया है वो क्या है आपका 42 सेकंड. ओके आई थिंक हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है. और आप देखोगे ये जो G की वैल्यू है इसको मैंने गलती से 9 ले लिया था, 10 समझ गया था. ओके तो बेसिकली G की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 10 ले लें ओके तो हमारा जो क्या है इक्वेशन हो जाएगा बेसिकली 40/30 × 45 = T. ओके गाइस अगर इसको आप सॉल्व करोगे सो व्हाट यू गेट T इज इक्वल टू मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है T इज इक्वल टू 51.96 seconds. Okay, which is approximately 52 seconds. So guys, यही answer क्या है वर्मा जी ने दिया है. Okay, so that's all guys. I hope ये जो video lecture है आपके study में helpful होगा. And guys, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel. Free online coaching, Bhuvanesh Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.